अच्छा बाबा, अब बताइए आप इतने दिनों तक कहाँ थे? बेटा मैं अपने गांव गया हुआ था। बाबा यहाँ हमें कोई कहानी नहीं सुनाता था। अब बेटा मैं आ गया हूँ, अब मैं तुम्हें अच्छी अच्छी ढेर सारी कहानियाँ सुनाऊंगा। अच्छा बाबा, आज आप कौन सी कहानी सुनाएंगे? आज जो मैं कहानी तुम लोगों को सुनाऊंगा उसका नाम है बुद्धिमान व्यापारी। तो फिर बाबा जल्दी सुनाइए। हाँ अच्छा सुनो, सुंदर सा एक रास्ता बच्चू, सुंदर सा एक रास्ता बच्चू, राजा उसका बहुत भला था, प्रजा सदा खुश रहती बच्चू, कभी ना कष्ट उसे होता था। अच्छा? राजा अपनी प्रजाजनों का ध्यान हमेशा रखता था। वेश बदल कर राजा अपने राज में घूमा करता था। अच्छा? एक दिवस की बात है बच्चों, एक दिवस की बात है बच्चों, राजा घूम घाम कर एक मनोरम नदी किनारे पहुंचा। नदी किनारे? एक दिवस की बात है बच्चों, राजा घूम घाम कर पहुंचा एक मनोरम नदी किनारे। मौसम बड़ा सुहाना था, हवा बह रही पंख पसारी। वहां पहुंच राजा ने देखा, वहां पहुंच राजा ने देखा एक नया अजूबा। अरे भाई, तुम यहाँ पर बैठे बैठे ये सब क्या कर रहे हो? अन्नदाता, मैं नदी का पानी तौल रहा हूँ राम जी की इच्छा से। ये तो तुम्हारी मूर्खता है, इस तरह तुम नदी का पानी कैसे तौल पाओगे और फिर इससे तुम्हें फायदा क्या होगा? हाँ, इस तरह पानी तौलते तौलते तुम सारी जिंदगी यहाँ बैठे रहो तो भी नदी का पानी नहीं तौल पाओगे। हाँ, एक दिन भूख से जरूर मर जाओगे। महाराज, मैं बनिया हूँ और बनिए की तराजू जब तक चलती रहेगी तब तक वो कभी भूखा नहीं मर सकता राम जी की इच्छा से। असंभव, भला तराजू चलाने से कहीं किसी का पेट भर सकता है? हाँ महाराज, ये बात बिल्कुल सत्य है, अगर बनिए की तराजू चलती रहे तो वो आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकता है राम जी की इच्छा से। मैं इसकी परीक्षा लेकर देखता हूँ कि इसकी बातों में कितनी सच्चाई है। ठीक है, तो मेरे साथ राजमहल चलो। राजमहल? मैं देखना चाहता हूं कि भला तराजू चलाकर तुम अपना पेट कैसे भर सकते हो। आज से तुम मेरी गौशाला में रहोगे और वहां तुम्हें रोज सुबह गायों का गोबर अपनी तराजू से तौलना होगा। हम देखना चाहते हैं कि गोबर तौलकर तुम किस तरह अपना पेट भरते हो। सिपाहियों, इन्हें गौशाला तक पहुंचा दो। क्या क्या महाराज? और सुनो, वहां उनके रहने की उचित व्यवस्था भी कर दी जाए। क्या क्या? चलो भाई। Thank you.
बाबा, मैं एक प्रश्न आपसे कई दिनों से पूछना चाह रहा हूँ, पर संकोचवश मैं पूछ नहीं पा रहा हूँ, कहीं आप बुरा ना मान जाएं। पूछो भाई पूछो, अगर तुम्हारा प्रश्न उचित हुआ तो मैं उत्तर अवश्य दूंगा, भला इसमें बुरा मानने की क्या बात है राम जी की इच्छा से। बाबा, आप रोज ये गायों का गोबर क्यों तौलते हैं? भाई ये तो महाराज की आज्ञा है। लेकिन बाबा, महाराज ने ऐसी आज्ञा क्यों दी? महाराज को शक है कि गायों को पूरा खाना नहीं मिलता है, उनके चारे में कमी की जा रही है, इसलिए उन्होंने मुझे नियुक्त किया है कि गायों का गोबर तौल कर देखूं कि उन्हें कितना चारा कम दिया जा रहा है, समझे? ये बुड्ढा तो मेरी चोरी पकड़ लेगा, अगर कहीं महाराज को ये पता चल गया कि मैं गाय को कितना कम चारा देता हूँ तो मेरी नौकरी गई समझो। नहीं नहीं बाबा। हाँ? आप इस बुढ़ापे में किस मुसीबत में फंस गए? आप अपने कमरे में आराम से बैठा करिए, मैं राजमहल से बढ़िया पकवान लाकर आपको खिलाया करूंगा, आपको ये गोबर तोलने की कोई जरूरत नहीं, ये सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए आप। ठीक है भाई, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं अपने आराम किया करूंगा। हाँ। तुम ही ये काम कर लिया करो राम जी की इच्छा से। हाँ बाबा, हम सब कर लेंगे। क्यों भाई, तुम्हारा स्वास्थ्य तो पहले से और अधिक अच्छा हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं तुम गौशाला में गोबर तौलने के अलावा और कोई काम करते हो? नहीं अन्नदाता, मैं सुबह उठकर जो गोबर तौलना शुरू करता हूँ तो शाम तक गोबर ही तौलता रहता हूँ राम जी की इच्छा से। हाँ, उसकी बदौलत मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो गया होगा। वैसे महाराज, ये सब तो मेरे इस तराजू की कृपा है। लगता है गौशाला में कोई गड़बड़ है और बनिए ने चालाकी से अपने खाने पीने का इंतजाम कर लिया है, अब इसकी कोई दूसरी परीक्षा लेनी चाहिए। ठीक है, कल से तुम राज की सीमा के पास जो कूड़ा घर है वहां बैठोगे, और जब जमादार महल का कूड़ा वहां डालेगा तो उसे तुम्हें तौलना होगा। जैसी आज्ञा महाराज की, अब मैं राजमहल के कूड़ा घर में बैठकर ही कूड़ा तौला करूंगा राम जी की इच्छा से। इसमें आधा पाव कूड़ा कम है, समझे? अब वही लेके आए थे। हाँ जल्दी लेके आओ। हाँ। अभी भी एक छिटा कूड़ा कम है राम जी की इच्छा से। दादा, कौनो कोना में रत्ती भर कूड़ा नहीं रहेगा। अरे ये क्या बकता है? तो इसका मतलब तुम महल की सफाई ठीक से नहीं कर रहे। मुझे तुम्हारी शिकायत राजा से करनी पड़ेगी राम जी की इच्छा से। आइस ना किन्हो दादा, नहीं तो हमारी नौकरी छूट जाए, हमारे बाल बच्चा भूखन मर जाए। आप जो सेवा कहो हम करने का तैयार हैं। ठीक है, मैं तेरी शिकायत राजा से नहीं करूंगा, लेकिन इसके लिए तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा, मुझे दो वक्त का खाना रोज खिलाना पड़ेगा। हाँ दादा, दोपहर का खाना? अरे आपके जब इच्छा हो तब खाओ, एमा कौनो मनाही है का? अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ और मुझे अपना काम करने दो। हाँ
भाई मुझे विश्वास हो गया कि जब तक बनिए की तराजू चलती रहेगी तब तक वो कभी भूखा नहीं मर सकता। लेकिन अब तुम मुझे ये बताओ कि भला तुमने अपने खाने पीने का इंतजाम कैसे किया? महाराज, पूरी बात बताने से पहले मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। क्षमा? वो क्यों? वो ये महाराज कि मुझे अपना कार्य करने में एक छोटा सा झूठ बोलना पड़ा। झूठ? कैसा झूठ? वो ये कि महाराज, मैंने आपके गोपालक और जमादार से ये कहा कि आपने मेरी नियुक्ति गोबर और कूड़ा तोड़ने के लिए की है, ताकि मैं उन दोनों की चोरियों और बेईमानियों का पता लगा सकूं। महाराज, मेरी इन बातों को सुनकर वो दोनों डर गए। उनको ये लगा कि मैं उनकी चोरी की बात आप तक न पहुंचा दूं, इसलिए वो मुझे खुश करने के लिए उन्होंने मुझे खूब अच्छे अच्छे पकवान खिलाने शुरू किए। नतीजा आपके सामने है महाराज। सच तो यह है कि तुमने अपना पेट भरने के लिए झूठ और चालाकी का सहारा लिया, राज कर्मचारियों को पथभ्रष्ट किया, राज के कार्यों में बाधा डाली है। नहीं महाराज। नहीं नहीं क्या? सच तो यह है कि तुम मेरे राज के लिए एक कलंक हो। तुम जैसे धूर्त मनुष्यों से देश और जनता का हित होता है, इसलिए मैं आज से तुम्हें 5 वर्ष के कारावास का दंड देता हूँ। मुझे क्षमा कीजिए महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं, मैं अब और कुछ नहीं सुनना चाहता। तुमने जो कार्य किया है वो अत्यंत निंदनीय है।